प्रोडक्ट का सबने लिख लिया, प्रोडक्ट का सबने लिख लिया, कोई डाउट? क्या बोल रहे हो बेटा, आवाज नहीं आ रही? चलो आगे बढ़े बेटा, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा, चैट बॉक्स में लिख लो, मैं चैट बॉक्स एनेबल कर देता हूँ। सर यस बोलो, रिपीट करने बोला लास्ट में जो बोला वो स्टेटमेंट रिपीट करूं? यस सर। हाँ, व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट इज द सम ऑफ रिलेटिव एरर इन द मल्टीप्लायर्स। The relative error in the result is sum of relative error in the multiplier. Then sir, इसका example दो ना number, sir इसका example दो ना number पर। करते करते, example करते बेटा, पर समझ में आ गया, लिख लिया यहाँ तक, okay? Last बेटा product करके फिर हम लोग इसका examples करते, okay? Last एक छोटा सा देख के powers जब होगी तब क्या करेंगे, तो आगे लिखो। आगे लिखो, एरर्स व्हेन मेजर्ड क्वांटिटीज रेज टू अ पावर, एरर्स व्हेन मेजर्ड क्वांटिटी आर रेज टू अ पावर। ओके, कुछ पावर में एडिशन या सब्ट्रैक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन में कुछ पावर दे रखा है, तो ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा। जैसे कि मान लो कोई क्वांटिटी है जेड इज इक्वल टू ए की पावर मान लो पी दे रखा है, बी की पावर क्यू दे रखा है, डिवीजन में कुछ दे रखा है, सी की पावर लेट्स से आर दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब यह है कि ए को मैं पी टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। yes, अगर मैं a को p टाइम्स मल्टीप्लाई, बाकी सबको भूल दो थोड़ी देर के लिए, a को p टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, विच मीन्स व्हाट, जब डेल्टा z बाय z निकालूंगा तो पहला क्या है, a को मैं a के साथ प्रोडक्ट में ले रहा हूँ। तो प्रोडक्ट का तो हमने पढ़ा ही था कि जब लेट्स ए स्क्वायर है ऐसा मान लो, तो प्रोडक्ट का हमने क्या पढ़ा था, रिलेटिव एरर को ऐड करना। तो a की पावर p है तो a की रिलेटिव एरर कितनी बार ऐड होगी? लिख सकता हूँ, दिस इज डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा ए बाई ए, ऐसा कितने बार चलेगा, जितनी पावर है उतनी टाइम चलेगा। सो ये कितने टाइम्स आएगा, पी टाइम्स आएगा। प्लस बी का क्या हो रहा है, बी का भी मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो वापस मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा बी बाई बी कितने टाइम मल्टीप्लीकेशन आएगा बेटा, रिलेटिव एरर तो एडिशन होगी ना। हाँ, रिलेटिव एरर में मल्टीप्लीकेशन नहीं सीखा था हमने, हमेशा रिलेटिव एरर को ऐड करना सीखा है। तो प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा बी ये कितने टाइम्स, क्यू टाइम्स। और बेटा जो हम लोगों ने पहले वाला रूल पढ़ा वो प्रोडक्ट एज वेल एज डिवीजन दोनों में यूज होता है। सो सी की पावर आर भले ही डिवाइड हो रही हो, हमें क्या लिखना है, प्लस ही करना है। कितना, डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा सी बाई सी, कितने टाइम्स आएगा ये, आर टाइम्स। समझ में आ रहा है? ओके, सो अभी भी हम लोग बेसिकली प्रोडक्ट एंड कोशेंट वाला ही रूल लगा रहे हैं, सिर्फ अलग से बोल दिया कि हम लोग कुछ पावर का एडिशन कर रहे हैं, बट एक्चुअल में हम लोग क्या रहे हैं, प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल ही लगा रहे हैं। कोई डाउट इसमें? इतना लिख लिया, चलो। तो इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जेड बाय जेड की वैल्यू को और क्या लिख सकते हैं, देखो। सो डेल्टा जेड बाय जेड विल बी इज इक्वल टू डेल्टा ए कितनी बार, पी टाइम्स, तो मैं लिख सकता हूँ पी टाइम्स डेल्टा ए बाई ए प्लस क्यू टाइम्स डेल्टा बी बाई बी प्लस आर टाइम्स डेल्टा सी बाई सी। ओके, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। रिलेटिव एरर को जितनी टाइम्स उसके पावर है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। क्या बोल रहे हो, डिवाइडेड बाई थ्री किस खुशी में भाई, एवरेज थोड़ी निकाल रहे है। सर आपने फर्स्ट स्टेप में वही लिखा। हां सर, फर्स्ट स्टेप क्या सर, जेड डिवाइड का क्या, प्लस लिखा है भाई, उससे पहले वाला स्टेप, पहले क्या लिखा,
ये क्या क्या क्या, अरे डिवाइड नहीं किया बेटा ये सर ऊपर में। हाँ तो ऊपर में भले ही, मैं वही तो बोला, ये इस पे नहीं देखना है, इसी की बात कर रहे हो तुम, इसी की बात कर रहे हो। यस सर, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे कोशंट हो, क्वोशंट मतलब डिवीजन, इससे पहले वाला वो पढ़ो हम लोगों ने जो टाइटल लिखा था, क्या था, रूल्स फॉर प्रोडक्ट एंड क्वोशंट, मतलब चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो चाहे डिवीजन में हो, हमें रिलेटिव एरर को हमेशा ऐड ही करनी है, ओके, डिवाइड डिवाइड नहीं करना है, कोई डाउट? सर एक और बार बताएंगे? हाँ, क्या समझ में नहीं आया? अरे डेल्टा ए बाय ए आपने जो लिखा उसके बीच में कनेक्शन में रख दो, लूज हो गया। अच्छा एक बात बताओ बेटा, जब z इज इक्वल्स टू ए बी था, ए इंटू बी था, तब तुमने क्या किया था, वो समझ में आ गया था? यस सर। क्या किया था बताओ, डेल्टा z बाय z कैसे निकाला? डेल्टा z बाय z सर पहले एरर निकाला ए में, डेल्टा ए बाय ए आया, रिलेटिव एरर ऑफ ए प्लस रिलेटिव एरर ऑफ बी करोगे? यस सर। ऐसा करोगे ना, अब मान लो, अब मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, बी की जगह पे ए लिख देता हूँ, मान लो जेड है ए मल्टीप्लाई बाई ए, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा ए बाई, मान लो मैं एक और ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा ए बाई ए, मान लो मैं एक और ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो प्लस डेल्टा ए बाई ए लिख लू, मान लो मैं ए को पी टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ए की पावर पी हो जाएगी, तो डेल्टा ए बाय ए कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, पी बार ऐड करना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ कि पी बार डेल्टा ए बाय ए, समझ में आया? यस सर। अब मैं कर रहा हूँ डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए की पावर पी इंटू बी कर रहा हूँ, तो बी अगर एक बार ऐड कर रहा हूँ तो मैं डेल्टा बी बाय बी लिखूंगा ना, ऐसे मैं बी को कितनी बार कर रहा हूँ, क्यू बार कर रहा हूँ, तो आगे क्या आ जाएगा, क्यू टाइम्स डेल्टा बी बाय बी, ओके? यस सर। डिवाइडेड बाई सी की पावर आर हो रही है, तो बेटा ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पे डिवीजन हो रहा है तो यहाँ पे भी मैं इसको मैं आर टाइम्स डेल्टा सी बाई सी कर दूँ, ऐसा नहीं करना है, एरर को हमेशा क्या करना है, रिलेटिव एरर को हमेशा चाहे प्रोडक्ट में हो चाहे डिवीजन में हो हमेशा ऐड करना है, तो ये जो नीचे वाला सी की पावर आर है उसको भी एज अ मल्टीप्लाई ही अज्यूम कर लो, तो क्या हो जाएगा, आर टाइम्स डेल्टा सी बाई सी, आया समझ में? मतलब सर सी डिवाइड में हो या कोशंट में हो वो अब मेरे लिए मैटर नहीं करता, उसे प्लस ही करना है। हाँ, चाहे वो जैसे हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था ना कि चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, एब्सोल्यूट एरर को ऐड ही करनी है, सिमिलरली चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो चाहे डिवीजन में हो, रिलेटिव एरर को हमेशा ऐड करना है, ओके? तो सर अगर, तो सर अगर ये z is equal to a की पावर p मल्टीप्लाई बाय b की पावर q मल्टीप्लाई बाय c की पावर r होता सेम आएगा, फिर भी एरर सेम आएगा, यस रिलेटिव एरर यही आएगा, ऐड ही करना है, ओके? चलो आगे बढ़े, इसके ऊपर अब क्वेश्चंस कर लेते हैं, हटा दो इसको, लिख लिया? हां सर लिख लिया। एक मिनट सर, यस लिया ना, ओके जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो, डन डन डन, चलो लिखो तब तक बाकी लोग क्वेश्चन लिखो। व्हेन व्हेन वी मेजर लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, हटा दू अब, चलो व्हेन वी मेजर लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इट कम्स आउट टू बी, व्हेन वी मेजर लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इट कम्स आउट टू बी, व्हेन वी मेजर्ड length of rectangle, it comes out to be, let's say 3.25, या फिर 3.2 plus minus 0.5, and breadth is 1 plus minus 0.1, find error,
its area with error. ओके एरर के साथ तुम्हें उसका एरिया फाइंड करना है. स्क्वायर हम लोग रेक्टेंगल दे रखा है, उसकी लेंथ ब्रेथ दे रखी है, तुम्हें एरिया फाइंड करना है. क्या बोल रहे हो बेटा? एंड की बात क्या लिखा है? ब्रेथ लिखा है. यही होता है ब्रेथ की स्पेलिंग, यही होता है, कुछ अलग होती है सर? BREADTH. हाँ वही तो मैं वही सोच रहा था. BRL BREADTH आता है, ये आता है बीच में. अच्छा ओके लिख लो. कितना आएगा निकाल के बताओ. कितना आएगा? एरर इन एरिया. ओके एरिया निकालना है विथ एरर. सो हमें पता है कि एरिया निकालने के लिए लेंथ इनटू ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना है. जल्दी से करो. क्या बोल रहे हो? कितना आएगा? करके दिखा दूं क्या? हो गया सर, करके दिखाइए. तुम लोगों ने क्या किया? 3.2 और 0.5 प्लस 0.1.0 ऐड किया. फाइनल आंसर बोलो. ऐड क्या करना है बेटा? मल्टीप्लिकेशन करना है ना. ऐड क्यों कर रहे हो? एरिया कैसे निकलेगा सर? जैसे हम लोग रिलेटिव एरर z अपॉन डेल्टा z अपॉन z करके निकाल लेंगे, फिर उसको हमें z प्लस मतलब 3.2 इनटू 1 को इनटू करके फिर उसको प्लस माइनस z करना रहेगा हमको, प्लस माइनस रिलेटिव एरर ऑफ z. यस यस यस. देखो क्या करना है, देखो चलो हमारा फाइनल आंसर क्या आना चाहिए. तो अगर मान लो एरिया को मैं a से डिनोट कर रहा हूं तो मेरा फाइनल आंसर आना चाहिए a प्लस माइनस डेल्टा a. ये मेरा फाइनल आंसर. यही पूछा है हमको, फाइंड इट्स एरिया विथ एरर. तो हमें ये पूछा है एरिया प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर इन एरिया. ये पूछा हुआ है. डेल्टा ए निकालने का क्या तरीका है? ए तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं. ए कैसे निकालेंगे? एल इंटू बी. तो पहले मैं ए निकाल लेता हूँ. कैसे निकलेगा? ए विल बी इज इक्वल टू उसकी जो लेंथ और ब्रेथ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे. एरर को भूल जाओ, 3.2 इंटू 1. ए की वैल्यू 3.2 आ जाएगी. कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम. अब क्या करना है? अब डेल्टा ए निकालना है. डेल्टा ए निकालने के लिए क्या है? डेल्टा ए निकालने के लिए हम लोगों को रिलेटिव एरर का एक फॉर्मूला है कि भाई डेल्टा ए अपॉन ए करोगे तो वो कैसे मिलेगा? डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी, जिसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ लेंथ एंड ब्रेंथ को, उसके अंदर रिलेटिव एरर को ऐड करने से मिलेगा. तो अब क्या करेंगे? तो इधर लिखेंगे डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा एल. व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर इन एल? 0.5. This is the absolute error in length divided by length. Length कितनी है? 3.2 plus length error in breadth 0.1 divided by 1. इसको add करो. चलो बताओ 0.5 by 3.2 0.1 by 1 add करके कितना आएगा? 0.82. पक्का? Yes, सबका यही आ रहा है ना? 0.5 बाय 3.2 करो प्लस 0.1 कर दो, सबका यही आ रहा है. ओके
सो ये हमारे पास क्या आया, डेल्टा ए बाई ए आया। हमें क्या चाहिए, हमें तो ए चाहिए ना, डेल्टा ए चाहिए हमें, तो ए की वैल्यू पता है हमें, डेल्टा ए चाहिए, तो ए को उस तरफ भेज दो। अरे फाइनल आंसर कौन पूछा, ये बोलो इसका एडिशन कितना है, 0.5 डिवाइडेड बाय 3.2 प्लस 0.1 बाय 1 कितना आएगा सर? 0.82 बाय 3.2 क्या वही है? इतने डेसिमल तक मत ले जाओ, कितना 0. कोई बात नहीं, 8.82। चलो मैं 2 डेसिमल तक लिख रहा हूँ, उससे आगे मत लिखो। तो 0.8 डेल्टा ए बाई ए आया, 0.82 ए को इस तरफ भेज दो, तो डेल्टा ए की वैल्यू कितनी आएगी, 0.82 मल्टीप्लाई बाय ए कितना है, 3.2। बताओ नीचे डिनोमिनेटर में 3.2 भी आएगा, तो वो डिनोमिनेटर में 3.2 भी आएगा, डिवाइड 3.2 आया। मैं बोल रहा हूं इसको सर, वो फाइनल आंसर 0.256 आता है, तो इसका आंसर बोल दो बेटा, इसका कितना आया वो बताओ, मैं वो पूछ रहा हूँ कब से। इसका ही बोल रहा हूँ, इसका 0.256। रहने दो मैं कर लेता हूँ, रुक जाओ। बहुत सर 0.25 आया, 0.25 ओके, ये सही है, 0.25 वेरी गुड, ये पूरा 0.25 आ रहा है राइट। तो मैं अब क्या, ये मैंने निकाला डेल्टा ए बाई ए निकाला, ए को इस तरह मल्टीप्लाई करो, ये कितना है 3.2 इंटू 0.25, तो इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे इंटू 3.2 0.82 ओके। सो ये मेरे क्या क्या आया, ये मुझे डेल्टा ए मिला। सो अब मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए के फॉर्म में लिखना है, तो मेरा फाइनल एरिया जो आया दैट विल बी 3.2 प्लस माइनस 0.82। समझ में आया, this is my final answer, this is my final answer, okay? Yes, sir. लिख लो, फिर लिखना बाकी है तो लिख लो, फिर आगे बढ़े। हाँ बोलो सर, अगर 3.2 प्लस माइनस 0.87 आ रहा है तो 3.2 प्लस माइनस 0.87 87 कहाँ से आएगा भाई, क्यों आया ऐसा? तुमने कुछ गलती की है इसलिए इतना गलत आया। ओके, हर बार ऐसा नहीं, कुछ इस पर टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है कि 82 लिख रहे हैं मैं 87 लिखूंगा तो चलेगा, ऐसा नहीं, कभी तुम्हारी मिस्टेक भी एडमिट करना है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है उसको सॉल्व करो। हटाओ इसको, समझ में आ गया सर? हाँ बोलो। वो बॉक्स वाला पार्ट फिर से समझाओगे एक बार? ये वाला या ये वाला? हाँ ये नीचे वाला, ये स्टार्टिंग से, मतलब ये डेल्टा ए इज़ इतना, डेल्टा इज़ इक्वल टू 0.25 to 3.2। ये समझ में आया? हाँ सर। ये क्या निकाला हमने, डेल्टा ए बाय ए निकाला 0.25। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डेल्टा ए, तो ए को उधर फेंक दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, ए कितना है, ए की वैल्यू 3.2, तो 0.25 to 3.2 मल्टीप्लाई करके 0.82 डेल्टा ए मेरा ये आ गया, फाइनल आंसर ये आया। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ऐसे क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, तो मैं अपने हिसाब से क्वेश्चंस यहाँ पे करवा रहा हूँ, होमवर्क में तुम्हें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दूंगा ताकि उस पर तुम ज्यादा ध्यान दो। ओके वरना मैं यहाँ पे करवाता हूँ तो कुछ लोग करते कुछ नहीं करते, तो होमवर्क में तुम्हें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दूंगा आज। आगे लिखते हैं, ओके, इफ टू रेजिस्टेंस आर वन which is equals to 30 plus minus 0.5 ohm and R2 is equals to 20 plus minus 0.3 ohm are connected in series, find net resistance. Okay? फाइंड नेट रेजिस्टेंस, सीरीज में दो रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया, नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा वो निकालना है। जल्दी जल्दी करो, बहुत सिंपल है, तुरंत आ जाना चाहिए था। कितना आएगा, 50 प्लस माइनस 0.8। ओके हिनल वेरी गुड, समझ में आया। विक्रम चाहना, आदित्य कोरडे, स्नेहा,
समझ में आ रहा है? यस सर। यस ओके। चलो आगे बढ़े, करके दिखाऊं या चलेगा? अगर दोनों ऐड करके निकलता है तो एब्सोल्यूट एरर को भी डायरेक्ट ऐड करना है। 30 प्लस 20 50 प्लस माइनस 0.5 और 0.3 को ऐड करो 0.8। ओके हटा दू, नेक्स्ट लिखो। If these two resistance, next इसी के अंदर लिखो, if these two resistance are connected in parallel, if these two resistance are connected in parallel, find error, मतलब find net resistance. If these two resistance are connected in parallel, then find net resistance. अरे बेटा वीडियो ऑन कर लो, किसी को नेट का प्रॉब्लम है तो बोल दो, पेरेंट्स से बात करवा दो। वीडियो ऑन नहीं कर रहे हो मतलब तुम पढ़ नहीं रहे हो। ओके मैं तो यही समझूंगा। फिर पेरेंट्स पूछेंगे कि तुम क्या करते हो, रिजल्ट क्या आता है, मैं डिस्कस नहीं करने वाला। मैं डायरेक्ट यही बोलूंगा कि आपके लड़के लड़की ने वीडियो ऑन नहीं किया था, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा हूँ। चलो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। सीरीज की जगह पे पैरेलल, इफ दिस टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल फाइंड इट्स नेट रेजिस्टेंस। सो अब थोड़ा सा बेटा गड़बड़ हो जाएगा नेट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। क्यों? बिकॉज देखो क्या है, सॉल्व मत करो, समझ में नहीं आएगा। वैसे देख लो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अलग मेथड लगाना पड़ेगा। बिकॉज जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो आर नेट कैसे निकालते हैं? वन अपॉन आर नेट इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे मैं दो को एडिशन कर रहा हूँ क्या? हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीखी हुई? हमने ये सीखी है कि z is equals to a plus b है तब मैं काम कर सकता हूँ, या फिर a minus b है तभी भी बोल सकता हूँ, या फिर z is equals to a multiply by b है तब मेरे को पता है, या फिर z is equals to a by b है तब पता है, या फिर z is equals to a की पावर समथिंग b की पावर समथिंग ऐसा कुछ है तब मेरे को पता है। बट यहाँ पे तो गड़बड़ है, यहाँ तो नहीं तो पावर है, नहीं तो एडिशन है, नहीं तो सब्ट्रैक्शन है, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन भी नहीं है, तो ये पूरा डिफरेंट है। समझ में आ रहा है ये? yes. तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, मैं डायरेक्ट एरर्स को या कुछ ऐड नहीं कर सकता। तो एक काम करते हैं, पहले मैं आर नेट, क्योंकि यहाँ पे देखो जनरली हर एक फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू समथिंग है, यहाँ पे हमको जो निकालना है वो भी बेचारा डिविजन में बैठा हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको तो ऊपर लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आर नेट निकालते हैं। तो आर नेट निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आर वन आर टू को इस तरफ ले जाऊं, तो मैं लिख सकता हूँ कि R1 plus R2 divided by R1 R2 is equals to 1 upon R net. ओके अब मैं कह सकता हूँ कि भाई R net कितना होगा, अब मैं रेसिप्रोकल कर लेता हूँ, तो R net आएगा R1 R2 divided by R1 plus R2। आया समझ में? yes, ये समझ में आया? ओके Yes, अब देखो बेटा yes, ये चीज अच्छा, ये बेटा ऐसा मत सोचना कुछ अलग क्वेश्चन कर रहे हैं, ये बेटा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एग्जांपल का ही क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी के अंदर डिफरेंशिएशन का यूज किया है। किसका यूज किया है? डिफरेंशिएशन पढ़ा है? डिफरेंशिएशन पढ़ा तुम लोगों ने? नहीं सर, डिफरेंशिएशन अभी तक नहीं पढ़ा है। तो हम लोग एनसीईआरटी को छोड़ के कुछ अलग मेथड देखा लेते हैं। ओके उसके अंदर डिफरेंशिएशन से किया है, वो करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो बेटर ये थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं। सो हमारे पास आ गया R net is equals to R1 R2 divided by R1 plus R2। क्या अभी भी ये कुछ जो हमने पढ़ा है ऐसा लग रहा है क्या? हमने जो अभी तक Z is equals to something में पढ़ा उसके तरफ कुछ लग रहा है? Yes sir। लग रहा है क्या? क्या लग रहा है बताओ? सर ऊपर मल्टीप्लिकेशन है, नीचे एडिशन है, तो वैसे ऊपर मल्टीप्लिकेशन है, नीचे एडिशन है, बट दोनों एक साथ आ रहे हैं। सो मैं एक काम करता हूँ, R1 plus R2 को अलग से ट्रीट कर लेता हूँ। Let's assume कि भाई R1 और R2 को let's say मैं कुछ बोल देता हूँ, let's say मैंने कुछ अलग वैल्यू दे दी, x बोल दिया। अगर मैं इसको x बोल दूंगा तब क्या होगा? तब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये मेरे पास R1 R2 divided by x। okay, ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, R net निकालने के लिए डायरेक्ट इसकी रिलेटिव एरर, इसकी रिलेटिव एरर, इसकी रिलेटिव एरर ऐड कर दूंगा, काम हो जाएगा। समझ में आ गया क्या किया मैंने?
इसको मैंने z इज इक्वल टू a की पावर p, b की पावर q, r की पावर z, r की पावर r या फिर c की पावर r, ये जो हमने देखा था ना उसकी तरह मैंने कन्वर्ट कर लिया, जहां पे p, q और r तीनों की वैल्यू 111 है, तो इसी की तरह आ जाएगा। ओके सो अब मैं क्या निकाल सकता हूँ, तो अगर मैं ऐसा कुछ सोच लू, ओके भले ही यहाँ पे r1 प्लस r2 है, सिर्फ मैं सोचने के लिए मैं x लिख रहा हूँ, तो अब मैं लिख सकता हूँ कि भाई डेल्टा आर नेट अपॉन आर, डेल्टा आर नेट अपॉन आर, रिलेटिव एरर को अब ऐड करना है, विल बी इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा आर वन बाय आर वन प्लस डेल्टा आर टू बाय आर टू प्लस डेल्टा आर वन प्लस आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, दिस इज माई रिलेटिव एरर इन डेल्टा आर नेट। समझ में आ गया? यस सर। ये मेरी रिलेटिव एरर हो जाएगी। चलो डेल्टा आर वन बाय आर वन करके बताओ, डेल्टा आर वन बाय आर वन कितना, आर वन कहाँ लिखा है वो रहा, डेल्टा कितना है उसमें 0.5 डिवाइडेड बाय 30 प्लस डेल्टा आर टू बाय आर टू 0.3 बाय 20 प्लस आर वन प्लस आर टू, तो हमने सीरीज का तो बहुत सिंपल तरीके से सीख लिया कि इसको और इसको जब ऐड करेंगे तो डेल्टा एब्सोल्यूट एरर भी ऐड हो जाएगी, 0.5 0.3 0.8 थोड़ी देर पहले किया था, डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू करेंगे दोनों का एडिशन 50। चलो भाई इसको ऐड करके दिखा दो, इसी का सॉल्यूशन बताना, कुछ और मत बता देना। तो 0.5 डिवाइडेड बाय 30 करोगे 0.016 0.016 आ रहा है। हाँ बोलो। आपका मोड ब्लर दिख रहा है, सबको ब्लर दिख रहा है, तुमको ब्लर दिख रहा है? नो सर, क्लियर है सर। क्लियर है बेटा, तुम्हारा नेटवर्क इश्यू है। ओके चलो 0.8 बाय 50 तो ये आएगा 0.016। ओके इन सबको ऐड कर लो, 0.016 दो बार आ रहे हैं प्लस 0.015 0.047 ये रिलेटिव आएगा 0.047 ये किसमें आया, डेल्टा आर नेट अपॉन आर नेट में आया। समझ में आ रहा है ये? Yes, okay, अब बेटा आर नेट तो तुम निकाल ही सकते हो, आर नेट का फॉर्मूला तो यही है आर वन आर टू बाय आर वन प्लस आर टू एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए, तो 20 एंड 30 का आर नेट निकालो कितना आएगा, आर नेट आ जाएगा 12। इस फॉर्मूला में आर वन आर टू आर नेट की वैल्यू लिखोगे तो आर नेट की वैल्यू कितनी आएगी, 12 आ जाएगी। ओके ये सिंपल फॉर्मूला में आर नेट की आर वन आर टू की वैल्यू डाल दो। ओके सो डेल्टा आर नेट अपॉन आर नेट इज इक्वल टू 0.47 तो डेल्टा आर नेट कितना आएगा, डेल्टा आर नेट विल बी इज इक्वल टू आर नेट मल्टीप्लाई बाय 0.47 12 इंटू 0.47 5.64 आ रहा है। 5.64 सर, 0.047 जीरो पॉइंट आ रहा है, सॉरी 0.564 ओके 0.564 हमारा आर नेट आया। तो इसका मतलब फाइनल आंसर कितना आया, फाइनल आंसर क्या निकाल लेंगे, आर नेट इज इक्वल टू व्हाट, 12 प्लस माइनस 0.564 दिस इज माय फाइनल आंसर। यस बोलो सर, ये 12 आर नेट हमें 12 क्यों निकाला, फिर से बताओ एक बार। अरे भाई अश्मी वाधवा, इंट के अंदर तो तुमने बहुत अच्छा रिजल्ट लाए थे, याद करो पैरेलल के अंदर कैसे ऐड करते थे, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में 1/R1 + 1/R2 करते थे, 1/20 प्लस 1/30 कर लो, हां 1/12 आ जाएगा, उसका रेसिप्रोकल वापस करोगे 12 आएगा। आ रहा है या करके दिखा दूं? नहीं नहीं, समझ में आया ना, हम जनरली जो टेंथ में पढ़ा था ना कि दो रेजिस्टेंस को अगर मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया तब नेट रेजिस्टेंस कैसा आएगा, तो बेटा हम लोगों ने टेंथ में इतना तो पढ़ा ही था, आर वन इज इक्वल टू 30 आर टू इज इक्वल टू 20 इतना है तो हमें सब कुछ करना आता था। इलेवेंथ में ऐड क्या हुआ, इलेवेंथ में सिर्फ एरर ऐड हुई, एरर से ये साथ कैसे करोगे, तो एरर का मैंने कर दिया, आर नेट को तो पहले ही निकाल लो जैसे तुम निकालते थे इसी मेथड से। ओके सो वो 12 आएगा। ओके
हो गया, समझ में आ गया? बड़े आगे यस सर। ओके, इस टाइप के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ सर हो जाएंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने को बोल दूं मैं, करके लाओगे नेक्स्ट क्लास तक? यस सर। हां यस सर। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर लिखते जाओ, एग्जांपल 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 0.8 से 0.12 तक एग्जांपल, 0.8 से 0.12 तक सारे एग्जांपल्स। ओके, ये करके लाने हैं। हटा दो इसको। यस सर। जितना बेटा खुद से करोगे ना उतना फिजिक्स आएगा। ओके, सर पढ़ा के कुछ नहीं सिखा सकते, जितना खुद से करोगे उतना ज्यादा फिजिक्स अच्छी तरह से आएगा। अगर पढ़ने के बाद कुछ खुद से नहीं करोगे तो फिजिक्स में कुछ नहीं आएगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसा है फिजिक्स, खुद से नहीं बजाओगे तो कुछ नहीं आएगा, थियरी समझा के कुछ नहीं होने वाला। ओके, खुद से करने पड़ेंगे क्वेश्चन। चलो आगे बढ़े। सो एग्जाम्पल कितना बताया मैंने, 2.8 से 2.12, इतना खुद से कंप्लीट करना है। ओके, अच्छा टाइम हो गया बेटा क्या? ओके, टाइम हो चुका है। चलो कोई बात नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो है नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री में पढ़ लिया है तुमने सिग्निफिकेंट फिगर? हाँ सर हो गया सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छी तरह से पढ़ा दिया, अच्छी तरह से। तो फिर एक काम, कोई ऐसा है जिन्होंने नहीं पढ़ा? कोई ऐसा है जिन्होंने सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पढ़े? सबने केमिस्ट्री में पढ़े है ना? ओके, सो बेटा एक बार मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में फिर अगर मैं तुम्हें पता है तो मैं सिर्फ क्वेश्चंस करवाऊंगा, देख लो उस क्वेश्चंस को। ओके, उसके बाद फिर आगे डायमेंशन पे जाएंगे। चलो बाय बाय सर। बाय सर। थैंक यू। बस बोलो कुछ है? ओके बाय बाय सर।